أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी है यह है सूरह बनी इसराइल चैप्टर 17 लास्ट वर्स 111111। अल्लाह पाक फरमाते हैं वकुल अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, वो अल्लाह की जात है जो पाक है तमाम ऑफस्प्रिंग तमाम औलादों से। और आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं वकुल अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलीयुम मिन अज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा, ना उसकी सल्तनत के साथ कोई भी शख्स बादशाहत ले सकता है, ना उसको किसी की मदद की जरूरत है, ना उसकी कोई औलाद है। तो लिहाजा क्या करो, वकब्बिरहु तकबीरा, और उसकी तकबीर और हम्द करो। असल हम्द और तकबीर सिर्फ अल्लाह सुबहान व तआला की है बस, और किसी की नहीं। दुनिया में हो आखिरत में हो, वही असल बादशाह है, वही द रियल किंग दी किंग सिर्फ अल्लाह की जात और कोई नहीं। सूरह बनी इसराइल चैप्टर 17 वर्स 111। आज का टॉपिक कंटिन्यूएशन है जो एडवांसमेंट और सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के ऊपर, उस बारे में आज मैं वो चीजें बताऊंगा खुल के कि जो डबल फेस्ड अमेरिकन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है दुनिया को, अपनी औकात अपनी शक्ल। इनसे ये पूछें कि ये उस वक्त कहां मरे हुए थे जब चचनिया के अंदर यूक्रेनियन मार रहे थे, उस वक्त ये कहां मरे हुए थे जब जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में गए और वहां जाके एन बेगा जी कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, और जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की लूटिंग, हमारी मुसलमान औरतों के रेप किए गए, इराक की दीवारों पे लिखा गया, औरतों ने लिखा कि अगर तुम मुसलमानों बंदूक की गोलियां नहीं दे सकते कम से कम हमल गिराने की गोलियां तो प्रोवाइड कर दो। शर्म की बात, लानत की बात थी मुसलमान लोगों के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा पर उस वक्त। उस वक्त ये वेस्टर्न मीडिया कहां था, CNN किधर था, BBC किधर था, कहां थे ये, दफा हो गए थे उस टाइम। उस टाइम क्यों नहीं भौंके थे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, मासूम बच्चियां मर रही हैं, औरतों के रेप हो रहे हैं, खानदानों को उड़ाया जा रहा है, आंखों के सामने निगाहों के सामने उड़ा दिया जा रहा है, मैस ग्रेव्स जो हैं डिस्कवर हुई हैं। उस वक्त ये कहां था CNN और BBC और यूरो न्यूज फ्रांस न्यूज किधर थे, कहां थे उस टाइम। आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है कि यूक्रेन जो है ये अंडर अटैक हो गया है, छोटा सा पटाखा फूटे तो CNN में न्यूज आ जाती है और साइमल्टेनियसली आती है। CNN भी वही बकवास करता है, फिर वो BBC भी वही बकवास करता है, एक दूसरा बांसुरी है, ये एक टोन है, उस टोन के ऊपर सारे डांस कर रहे हैं। कहां गया वो? बड़ी तकलीफ होती है तुम्हें। पुतिन ने बोला था ना, व्लादिमीर पुतिन ने बोला था ना कि जब इराक पे कब्जा किया था तो उस वक्त क्या जस्टिफिकेशन थी। जो फिलीपींस का जो सदर है, प्रेसिडेंट है, उसने पूछा ना जब इराक पे कब्जा किया तो उस वक्त कहां थी इंसानियत। लीबिया में जो सारा मामला जो खराब करके डिटेरियोरेट करके तबाही मचा दी है, कहां थे वो? उस वक्त कहां था इंसाफ? उस वक्त क्यों नहीं मीडिया CNN बोला था? जब सीरिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं कोई बोला? बोस्निया के अंदर जब बच्चे मरे थे क्यों नहीं कोई बोला? चचनिया के अंदर मरे थे यूक्रेनियन सोल्जर्स के आते क्यों नहीं कोई बोला? ये जो अभी रिसेंटली बर्मा में जो हुआ, 40-50 हजार की आर्मी नहीं थी बर्मीनियज आर्मी, उसके साथ जो एट्रोसिटीज और जुल्म हुए क्यों नहीं मीडिया बोला उस टाइम? अब क्यों बोल रहा है? क्या तकलीफ है? इसका मतलब वाज़ह यही मैसेज है कि तुम लोगों को सिर्फ अपने लोगों की परवाह है। दिस बैटल दिस वॉर इज अगेंस्ट इस्लाम। मुसलमान के खून की कीमत आज 2% की नहीं है। दिस इज द क्रक्स एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द होल मैटर। यही असल जड़। जब मुसलमान वही जिससे अलामा इकबाल ने मेरा ये हाल बूट की टो चाटता हूं मैं, उससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं कि मेरे फर्ज पे भी आके ना रेंग। आज जो हिपोक्रेसी डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस्ड वेस्टर्न मीडिया हरकतें कर रहा है,
ये इन्हीं के खिलाफ एक बहुत बड़ा काउंटर होगा वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं कि रूस ने तो तुम्हें इतना तक बोल दिया कि आओ हमारे हमारे मुल्क आ जाओ, हम तुम्हें पनाह देते हैं, तुम लोगों ने इराक में क्या किया, तुम्हारा तो अमेरिकन सोल्जर जा जाके हमारी औरतों का रेप करता मुसलमानों का, अबू गरीब प्रिजन में तुम लोगों ने क्या किया, हरकतें नहीं की, साथ ब्रिटिश और साथ फ्रेंच गुस्ताख रसूल, घटिया तरीन घटिया सुअर खाने वाले लोग, ये लोग सारे उस वक्त क्या कर रहे थे। मैं बताता हूं कि जो जो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, बताता हूं क्या क्या नहीं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो सबसे जेन्युइन किस्म का प्रेसिडेंट था अमेरिका का। ये जो बाइडेन तो पपेट है, इसका तो अपना कोई इनिशिएटिव ही नहीं है, ना 3 ना 13 में बुढ़ा, उसको को पूछता है कोई नहीं। लेकिन अब जो तकलीफ जो है ना वो यही है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं ना, मकरो व मकर अल्लाह, ये चूंकि आई तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव पे, लेकिन यहां पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूं इस एतबार से कि उन्होंने तदबीर की है ना रूस के खिलाफ, उसकी तदबीर अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह पाक का भी बड़ा अच्छा निजाम है, जब इंसान अपनी हरकतों से आगे जब चला जाए ना, तो अल्लाह पाक आपके जो दुश्मन है ना उन्हीं से आपको सबक सिखा देते हैं। यही धौंस जमाते थे ना यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम पर कि बिफोर इब्राहिम ये था वो था, इब्राहिम से तुम नहीं थे पहले, तुम बाद में आए इब्राहिम से, धौंस जमाते थे यीशु मसीह को, तो उन्होंने बोला था ना कि बिफोर इब्राहिम आई वॉज देयर, और उन्होंने कहा कि गॉड वॉन्ट्स टू टेक द वर्क, ही वन इवन कैन रेज स्टोन अनटू इब्राहिम, कि इब्राहिम की धौंस क्यों जमाते हो, खुदा तो किसी स्टोन पत्थर दिल इंसान से भी काम ले सकता है। तो ये आज अमरीका यूरोप का जवाल आ रहा है, और मुसलमान जैसे कि हमेशा बैठा रहता है, एक पींग ले रहा है, पींगों में बैठा हुआ, वो पींग भी इनकी कट जाएगी ऊपर से, क्योंकि ये सबके लिए अलार्मिंग प्रोपोर्शन है। और याद रखिएगा एक बात, मैं किसी की साइड पर नहीं हूं, ये मत समझिएगा कि मैं प्रो रशिया हूं और अगेंस्ट यूक्रेन हूं, मैं ये बात कर रहा हूं यहां पर कि उस वक्त मीडिया किधर था, क्या मुसलमान की कोई कीमत नहीं, फलस्तीन के अंदर कितने साल गुजर गए हैं, सदियां गुजरी, हड्डियां गल गई हैं उन मजलूमों की जो इसराइल ने आके एनेक्सेशन की थी। जब इसराइल ने आके एनेक्सेशन की थी कहां गया था मीडिया, सीएनएन बीबीसी किधर था उस टाइम, नहीं था क्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ये चैनल कहां थे, ये सारे लोग मर गए थे, इनको सांप सूंघे हुए थे, क्यों, क्योंकि इनके यहां पे इंटरेस्ट थे। ये है पावर पॉलिटिक्स, यहां कोई किसी का नहीं है। ये जो स्टंट जो शो स्टंट मैन जिसको मैं कहता हूं, ये जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर है, ये जो स्टंट कर रहा है ना ये सारे शोबिज, इसने कुछ नहीं करना, इसको पता है, इसको पता है अंदर ही अंदर कि वी लॉस्ट द गेम, सिर्फ पब्लिक स्टंट, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज व्हाट यू सो नाउ यू आर रीपिंग, ये तुम्हारे बोए हुए बीज हैं, ये तुम्हारी करतूतें हैं जो तुम्हें अब खुदा तुम्हारी तरफ आएगा। तू वैसे भी यहूदी है, तू तो वैसे यहूदी है, लेकिन हम फिर भी इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की, यही मैं बता रहा हूं ना कि अल्लाह ताला कभी कभार जरूरत नहीं है हमारी, क्या पता कल मुस्तकबिल को रूस मुसलमान हो जाए, तरतारी भी तो मुसलमान हो गए थे ना, बगदाद में बैठे थे मुसलमान अंडों पे डिबेट कर रहे थे, रोटी गैर खमीरी थी कि खमीरी थी लास्ट सफर में, कि एक कलम की नोक पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, ये बहसे मुबास इल्मुल कलाम की चल रही थी ना बगदाद में, कि जब तातार आए थे और सीज ऑफ बगदाद हुआ था चंगेज खान के हाथों, 1 करोड़ मुसलमान मरा, उनकी सिरियां काट के रख दी और पहाड़ बना के उसने टॉप पे बैठ के शराब पी, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब कुत्ते की बारी आती है ना, एवरी डॉग हैज इट्स डे, जब किसी कुत्ते की बारी आती है तो फिर ये बड़ा बुरा होता है, फिर अल्लाह ताला की जात नहीं देखती, खुदा को क्या, खुदा तो पत्थरों से भी काम ले लेता है, क्या पता रूस पूरा मुसलमान हो जाए और जो मुसलमान है अल्लाह ताला इनको सजा दे दे। जस्तब दिल कौम गैर यकून अमसालुकुम, If you do your stuff niggardly, Allah will substitute you with another nation, and that nation will be never like you. Tumhari tarah hogi nahi wo nation. Bilkul farak hogi. Unke andaaz farak honge. Unke faamla wahi honge jo asal tauheed aur khilafat ke nizam ke upar bunyad hogi. Ye to Allah janta hai. Lekin point kya hai mera? Point ye hai ki kahan tha media us time? Falastin ki bachiyan. अपने जो यूक्रेन के अंदर एक बच्चा मर रहा है तो उस पर कितना शोर, हमारे यहां ग्रेव्स बन गई हैं, मिलियंस ऑफ ग्रेव्स बन गई हैं, तुम लोगों ने क्या किया, कहां था मीडिया सारा। देखिए मैं फिर ये बात रिपीट कर दूं, मैं कतअन सपोर्ट में नहीं हूं कि सिविलियंस को मारा जा रहा है, छोटे बच्चे, ये सारे उम्मत मुस्लिमा है, ये मुसलमान की उम्मत है, नबी की उम्मत है, दावत की उम्मत है,
इसको दावत की उम्मत कहते हैं, लेकिन चूंकि इस्लाम ने कबूल किया लेकिन उम्मत तो रसूलुल्लाह की है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आखिरी नबी वही है, उनके बाद किसी ने आना ही नहीं। ये बच्चे तो मुसलमान हैं जो एज ऑफ डिस्क्रिशन से पहले इंतकाल कर रहे हैं, मर रहे हैं, इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब इसराइल ने एनेक्जेशन पैलेस्टाइन की थी तो उस वक्त मीडिया किधर था? अब यूक्रेन की एनेक्जेशन पे तो बड़ी तकलीफ है, हाशिए इकट्ठे कर करके लिखे हुए हैं कि इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वाज इन्वेजन इन पैलेस्टाइन? उस वक्त क्या हुआ था जब दारुल खिलाफा फलस्तीन का उठा के इसराइल को दे दिया, पैलेस्टाइन तुमने कह दिया, यरूशलम? उस वक्त कहां था मीडिया? उस वक्त कहां थी जब एक एक बर्बरियत तुम लोगों ने लिबिया में की, बर्बरियत इराक में की, बर्बरियत तुम लोगों ने फलस्तीन में की, सीरिया में की? कौन से मुल्क छोड़े हैं मुसलमानों के? मिडल ईस्ट का नक्शा तबाह करके रख दिया। उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था जब औरतों के रेप हो रहे थे? उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कत्ल किए गए थे? वो सीरिया में एक बच्चा मरा था, साहिलों पे आके पूछे उन्होंने, रोते थे, वो भी तुर्की के साहिल पे आके पूछा था, रेड कलर का बच्चा जो मरा पड़ा था, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उस वक्त क्यों नहीं मीडिया भौंका था? उस वक्त क्यों नहीं वो पोटेंशियल दिखाई थी यूएन ने? यूएन क्यों सो रहा था उस टाइम? क्योंकि भाई असल बात है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, जूता पहनने वाले को पता होता है कि जूता कहां चुभ रहा है। तो असल में पॉइंट सारा ये है कि जस्ट वन मिनट, जूता पहनने वाले को पता होता है जूता कहां चुभ रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये असल में पॉइंट है कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म का, इसलिए वो सबको ड्रैग कर रहा है और इंशाल्लाह किसी ने भी सपोर्ट नहीं करना। ये असल में अब अमेरिका का जवाल है, ये जवाल अमेरिका का है जिसकी सबको कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। एक बड़े हाथी जाइंट को मारने से कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी नुकसान होगा ना जब वो गिरेगा। तो ये असल वही बात है कि ये एक ऐसा छुटा हुआ सांड था ना जिसको दुनिया में अपने आप को सुपर पावर बनने की कोशिश की थी, तो अब कर ना कर, हम देखते हैं क्या करते हो तुम। यूक्रेन की एनेक्जेशन की सबको तकलीफ हो गई, ओहो हो, जुलम 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 हो रहा है, लेकिन कई मुसलमान भी शामिल है, मुसलमान ये तब किधर थे जब ये दुनिया में 40 साल से जुलम हो रहा है फलस्तीनियों पर? अंदाजा करें, मैं ऐसे फलस्तीनियों को जानता हूं जो क्रिपल्ड हो चुके हुए हैं, दे आर हैंडीकैप्ड, क्योंकि वो इसराइल के यहूदियों की जो है जेलों से होकर आए हुए बेचारे, सारी उम्र के लिए उनके जो है गोडे नहीं चलते, किधर है उनकी कोई जिंदगियां नहीं थी, उनके कोई मीडिया ने आज तक उनकी आवाज नहीं सुनी। ये CNN, UNN, यूनाइटेड मीडिया को छोड़े, वो तो एक ब्लॉक है ना, वेस्ट जो यूनाइटेड नेशन है वो तो सबका एक होना चाहिए ना, उसने क्या किया था मुझे बताएं ना, यूनाइटेड नेशन ने ऐसा क्या किया था कि जो मुसलमानों को ने हिफाजत की, जो अमरीका जो बुश था बदमाश शराबी जानी सुअर खाने वाला, उसने आके जो अफगानिस्तानियों पर हाल किया था, अफगानिस्तान तो मैं भूल गया, हमने तालिबान को फिनिश कर दिया, हमने फिनिश कर दिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पपेट जिसको ना पता है कि उसकी औकात क्या है, आके वो भी बकवास करता था, हमने उनको फिक्स कर दिया। क्या फिक्स किया? उन्होंने तो हुकूमत बना ली, तुम्हारे मुंह पर चपेड़ है, तुम लोगों के ऊपर मुंह पर चपेड़ मारी है सबने। तो इसलिए रूस के जो मामलात हैं एनेक्जेशन है उनको सब पता है, उनको पता था ये क्या करने लगे हैं जो उसने ये सारा स्टेप लिया। याद रखना, बेवकूफ लोग नहीं होते बैठे बैठे दुनिया में आके अटैक करना शुरू हो जाए। आप लोगों को असल में इसकी हिस्ट्री नहीं पता, ये जो लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह, ये बहुत देर से लड़ रहे हैं, आपकी बात नहीं है, लेकिन अब दुनिया ग्लोबल हो गई है इससे सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अब जो दुनिया का बिजनेस जो है वो ग्लोबलाइज्ड है, वो सेंट्रलाइज्ड है, स्विफ्ट हो चुका है, स्विफ्ट, ये सारा मामला ट्रांजेक्शन का स्विफ्टली होता है। तो इस वजह से आज लोग परेशान हो गए हैं, अगर यही दौर पुराना होता, लड़ने देना था इन लोगों को, लड़ते रहे जो कुत्ते लड़ी जाओ हड्डियों के ऊपर, बाद में जो गूदा बचेगा वो आके ले जाएगा यहूदी बैंकर। तो मैं आज सिर्फ इस बयान के अंदर अपनी भड़ास निकाल रहा हूं कि उस वक्त मीडिया किधर था, वाई दिस डिप्लोमेसी और ये कह ले के डबल फेस्ड एटीट्यूड, क्यों क्यों दिखाया जा रहा है दुनिया को? आज सारा मीडिया ऐसे दिखा रहे, रूस रूस रूस, एक पटाखा फूटा, रूस ने कर दिया फलानी चीज कर दी, रूस ने कर, भाई अल्लाह के बंदो, जब जंग होती है तो फिर हर बंदा पिसता है, हर बंदा पिसता है। उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर जो तुम लोग को बेवकूफ बना रहा है इतनी देर बैठा, ओ लड़ो लड़ो लड़ो, कुछ किससे लड़ोगे आप, कैसे लड़ोगे, अकल की बात करो, कोई
पावर को जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसके ऊपर देखो, क्यों उन मासूमों को मारो? उस बंदे ने यू टर्न नहीं लेना, क्यों नहीं समझ आती? उसने यू टर्न नहीं लेना अब। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को जो बेचारे मासूम लोग हैं, निकल जाओ उस मुल्क से। ये आगे बढ़ता जाना, ये एस्केलेट होता जाना है, और ये सारा मामला जो है ये अमेरिका करवा रहा है। ये उसके उसकी जो मीडिया का जो पूरा एजेंडा है ना, वो इस चीज को एस्केलेट कर रहा है, हवा दे रहा है एक्सफोलिएट करके, और वो फट जाएगा फिर, और फिर सारे सफर करेंगे, और वो एज यूजुअल नॉर्थ अटलांटा सॉरी अटलांटिक ओशन के उस पार बैठा रहता है, मगरमच्छ बन के वहां बैठा रहता है, वहां से सारे जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहेगा, हरे को उभारेगा उभारेगा और आके फायदा ले जाएगा। इतना है तो मैदान में आए ना, आके मैदान में आके लड़के दिखाए फिर रूस के साथ, उस कोने में बैठा हुआ। लेकिन इसको ये पता है अमेरिका को कि रूस का बॉर्डर जो है ना वो साउथ पैसिफिक ओशन से बहुत करीब है, इतना सा फासला है बस, इतना भी ना समझ लीजिएगा, मैप के मुताबिक बता रहा हूं। मैप में लेजेंड्स होते हैं, उन लेजेंड्स के अंदर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती है उसके माइल्स के मुताबिक। तो रूस को अमेरिका को पीछे से कंट्रोल करना आता है, आगे से नहीं, उसको ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यूरो एशिया क्रॉस करके नहीं उसने जाना, माफ करना, वो पीछे से जाएगा, ओशिनिया पीछे से है, पैसिफिक साउथ। ये सारे मामलात इनको पता है, ये पता है, और इंजॉय करेगा ऊपर यहूदी बैंकर। अब देखें करेंसी, अब ये तेल को रोका जा रहा है, फिर कल को कुछ सैंक्शंस, फिर कुछ जो है टैरिफ्स एंड कोटास लगेंगे, उसके बाद क्या होगा? डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, हंगर स्ट्राइफ, जिसकी लाठी उसकी बैंस। फिर आएंगे लोनर्स, हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो, वही तमाशा जो पहले हुआ अब हुआ। अब आप देखिए मुसलमान का रोल ही कोई नहीं नजर आता, जिससे नबी पाक ने फरमाया था कि तुम लोग तो झील की मानंद रह जाओगे, तुम लोग कहती कुत्ती न तीन न तेरा में। हम समझते हैं जी हमारे पास तेल की दौलत है, हमने जी हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, औरतें हैं, एंजॉयमेंट है, ओ हम जी कामयाब लोग हैं। कामयाबी ये थोड़ी थी, कामयाबी तो अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह तौबा में फरमा दी कि जब तुम सही कॉज पे मेरे लिए एक मुल्क लोगे, एक मुल्क में रहोगे और उस पर तौहीद खालिसन तौहीद नाजिल करोगे, तो हम तुम्हें खिलाफत देंगे और खौफ दिलों में खत्म कर देंगे। यहां तो बाबा एक चलता नहीं है प्रीमियर बगैर बॉडी गार्ड के, उसको क्या 24 घंटे तो डर पड़ा है। और एक उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु पर्शिया से आए, कहते किधर है तुम्हारा बादशाह? होता हमारे यहां बादशाह कोई नहीं, किधर है उसका किला? हमारे यहां कोई किले नहीं होते, वो दो बकरियां बैतुल माल से चली गई, वो खलीफा जो है वहां पे उनको छुड़वाने गया तो वो देखा पेड़ के नीचे आराम कर रहे, तो हैरान हुए कि आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीर हैं इन उम्मत के, इतने बड़े लैंड्स ऑफ एकर्स के। उन्होंने कहा उमर तू एक आदिल इंसान है, इस वजह से तुझे खौफ ही कोई नहीं किसी से। बात सही है, जब एक इंसान को पता हो ना बैक ऑफ द माइंड, आई हैव लूटेड यू, आई हैव स्टैश्ड योर मनी, तो वो हर वक्त खौफ में होता है तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करता है अपने मामला कहता है जी मुझे बॉडी गार्ड दे दो। किसी को जरूरत नहीं होती, अगर इंसान सीधा हो सबके साथ अदल करे। हां बॉडी गार्ड तब रखो अगर आप मुखालिफ लोगों के पास जा रहे हो, मुखालिफ क्या पता कल को आपके दुश्मन हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द रखना, 24 घंटे रखना, 24 घंटे टेंशन में रहना, जैसा जोसेफ स्टालिन अपने पैलेस में 24 घंटे टेंशन में रहता था। ये टेंशन तभी क्रिएट होती है जब आपको पता हो कि हमने सारी उम्र गलत काम किए। तो बहरहाल ये मेरे कुछ बातें थी, जज्बात थे, मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरी अपना एक ओपिनियनेटेड आइडियोलॉजी है, मैं किसी को कहता नहीं मुझे आप एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ वेस्टर्न मीडिया है। इससे आप मुसलमान अब आगाह हो जाए, अब इनकी बातों में मत आना, अब इनकी बात, अब इनका वक्त आ गया ना नंगा होने का, तो अब ये दुनिया को पूरा उलट दिखा रहे हैं। असल में ये सारा अमेरिका की वजह से हुआ है, यही फोर्स कर रहे थे यूक्रेन को कि तुम नेटो के साथ हो जाओ, जबकि रूस ने कहा था कि नेटो के साथ नहीं होना, नहीं होना, हमारे आर्म्स मिसाइल्स हैं उधर यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन के बॉर्डर के जो साथ एरिया रूस का। उन्होंने कहा नहीं 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 जी हम हमें मेंबर बना दो, हमें जी फलानी चीज को, तो फलानी चीज चलो बनो अब मेंबर, अब बनो मेंबर। जब यूएसएसआर बनाई गई, बनी थी, उसको डिसॉल्व होने के सॉरी वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूएसएसआर के खिलाफ नेटो बनाई गई थी, तो अब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो बॉर्डर के मुंह पर नेटो आ जाए? तो उसका अपना पॉइंट है, इनका अपना पॉइंट है, पिसेगा कौन? सारी दुनिया। मुसलमान इसलिए पिसेगा, उसने कभी कुछ किया ही नहीं,
उसने कभी अपने अंदर आपको स्ट्रांग ही नहीं किया। वो समझे जी हमारे पास दौलत है, हमारे सब नीचे गुजरेगा। दौलत किस खेल की नाम है, किस चिड़िया का नाम है? दुनिया के सारे लोग, अमीर तरीन लोग जो हैं, एक क्लिक में जीरो हो जाएंगे। हाउ? सारा डिजिटाइज्ड बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। दो नंबर डाला, तुम्हारा अकाउंट सिफर। दुनिया के जितने बड़े प्रीमियर्स हैं, इनके बैंक अकाउंट्स किधर हैं? यूरोप में, अमेरिका में, रूस में। इधर तो नहीं रखे हुए, इधर तो नहीं रखे हुए, उन्होंने अपनी जगह, सारे बाहर, सबके बाहर हैं। एक बटन दबाया, सारे अकाउंट जीरो। इसलिए तो तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे। करते हैं गुलामों को गुलामी पर रजामंद, तावीले मसाइल को मनाते हैं बहाना। इनका मसला यह है कि नाकिस किताब को सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तारीख, खुद को नहीं बदलेंगे। कुरान बदलो, दीन बदलो, हर चीज बदल दो अल्लाह रसूल की। इतनी तावील करो, इतनी तावील करो कि आपको अपनी सकाफत भूल जाए, जिस राज अफ्रीकन को भूल गई। वहां नाचती हैं, डांस करते हैं, अपनी चढ़िया नहीं ऊपर करते। ये सारे काले वहां पर रैपिंग कर रहे हैं, ये इनका कल्चर नहीं था। तुम्हारी तहजीब और अखलाक ही खत्म कर दिया जाएगा, ताकि तुम्हें पता ही ना चले कि तेरी बर्बादियों के मशवरे बन रहे हैं। द हाईएस्ट आर्किस ऑफ द हेवन, उन आसमानों पर या आसमानों पर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।